हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि ये स्मार्ट वॉच का स्ट्रिप, और इसे मैंने अलग से ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेजोन से। तो इसके बारे में मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसकी जो क्वालिटी है कैसी है, कितने रुपये में ऑर्डर किया था, और क्या ये आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी जो है एक स्मार्ट वॉच है, ये नॉइस की तरफ से आती है, और इसके स्ट्रैप मैंने अभी हटा रखे हैं। इसका जो नाम है वो है कलर फिट विजन 2 बस, और इसी स्मार्ट वॉच के लिए मैंने ये जो स्ट्रैप है अलग से ऑर्डर किए थे। और इसके साथ जो ऑफिशियल जो स्ट्रैप आते हैं नॉइस की तरफ से, वो कुछ इस तरह के हैं, आप देख सकते हो। और नॉइस की ब्रांडिंग भी इस पर लिखी हुई आती है, और इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह का आता है जैसा कि एप्पल में आता है। तो ये जो स्ट्रैप है मुझे अच्छे नहीं लगे, इसकी जो सिस्टम है मुझे काफ़ी मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, इसलिए मैंने अलग से ऑर्डर किया था स्मार्ट वॉच के लिए स्ट्रैप। और इनकी जो साइज़ है वो 22 mm की है, इसलिए मैंने जो ऑर्डर किया था वो भी 22 mm वाली साइज़ के स्ट्रैप ऑर्डर किए थे। ये जो है ब्लैक कलर में, क्योंकि स्मार्ट वॉच भी मेरे ब्लैक कलर में है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी क्वालिटी की, तो इसकी जो क्वालिटी काफ़ी सही है, और इसे मैंने 215 रुपये की प्राइस में मंगाया था अमेजोन से। और वैसे कभी कभी ये हो सकता है ये 200 रुपये की प्राइस में भी मिल जाए, लेकिन इससे भी कम प्राइस में आपको मिलना पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम पर। मैंने खूब कोशिश की, 200 रुपये से कम में आपको इस तरह की क्वालिटी के जो स्ट्रैप होते हैं स्मार्ट वॉच के लिए, वो पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन मिल जाए। और इस पर जो है मेट फिनिशिंग दी गई है, तो आप जब भी इसे टच करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि एक तरह से ये ब्रांडेड स्ट्रैप है, लेकिन ये कोई ब्रांडेड नहीं है, लोकली कोई भी ऐसे बना के बेचता था उस टाइप के ये स्ट्रैप है। इस पर किसी भी तरह की ब्रांडिंग नहीं की गई, और आपको इससे यहाँ से स्ट्रेच करने पर ये थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाता है, और इसका सिस्टम कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे थोड़ी सी इसमें बेकार लगी कि यहाँ पर भी ये अंदर की तरफ घुसता है, यहाँ पर अलग से छोटी सी जो कह सकते हैं छोटा सा अलग से सपोर्ट करने का, वो यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर इसकी बजाय इसमें अंदर चला जाएगा, तो ये सिस्टम मुझे अभी भी इसमें बेकार ही लगा। और एक चीज़ बता दूँ कि दोस्तों, जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो वहाँ पर फोटो कुछ इस तरह की आ रही थी, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद जब मेरे पास रिसीव हुआ तो कुछ इस तरह का स्टेप रिसीव हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला, लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं हुई। तो इसकी जो क्वालिटी काफ़ी सही है, और 22 mm वाले वॉच के लिए ये अच्छे से फिट आ जाए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए कि आप अलग से स्मार्ट वॉच के लिए एक स्ट्रैप खरीदे जो कि काफ़ी कम प्राइस में आए और अच्छी क्वालिटी के भी हो, और इस तरह का सिस्टम आपको चल जाएगा लॉकिंग वाला, तो आप जरूर से इसे मंगा सकते हैं। मैं इसकी एक लिंक भी नीचे वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कंपेरिजन करो इनसे जो कि नॉइस के साथ आते हैं। तो मुझे क्वालिटी में कोई भी ऐसे इशू नहीं आया कि ये वाले अच्छे हों और ये वाले बेकार, दोनों लगभग अपने हिसाब से सही है। यहाँ पर फिनिशिंग वो मेट फिनिशिंग नहीं दी है यहाँ पर। और बात करें सॉफ्टनेस की, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सॉफ्ट ये ज़्यादा लगता है जो कि मैंने अलग से ऑर्डर किया था, और नॉइस वाला थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्ड लगता है। तो हो सकता है इसका जो मटेरियल है उसमें कोई फर्क, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिट हो गया इसके ऊपर, और कुछ भी फर्क नहीं लग रहा है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि ये जो स्ट्रैप है अलग से लिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है इसी स्मार्ट वॉच के साथ आए। तो यहाँ पर कलर में चेंज भी काफ़ी अच्छी हो गई, ब्लैक टू ब्लैक, और फिटिंग भी इसकी काफ़ी सही है, और कहीं से भी निकलने का जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने खींच के भी देखा इसको अलग अलग तरीके से, तो यहाँ से जो स्टेप इससे निकलने वाले भी नहीं हो, काफ़ी अच्छे से लुक हो गए। और इसके मैंने पहन के भी देखा तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई मटेरियल को लेकर। इसके बस छोटी सी चीज़ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये सिस्टम है मुझे अभी भी इसमें थोड़ा सा बेकार लग रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने ऑर्डर कुछ और किया था, मगर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया यहाँ पर स्टेप में। और इस वीडियो को तो ये खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।